शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22, शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने क्रूरी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सन्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के उच्च स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बन्यामिनियो सुनो, क्या ईशे का पुत्र तुमको सभों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सभों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशे के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो ईशे के पुत्र को नोब में अहितूब के पुत्र अहिमले के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियात की तलवार भी दी। और राजा ने अहितूब के पुत्र अहिमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोप के रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा, और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहितूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा है? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और ईशे के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहिमलेख ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहिमलेख, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजक को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनीवाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया, और याजकों के नगर नोप को उसने स्त्रियों पुरुषों
और बाल बच्चों और दूतपियों और बैलों गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहितूब के पुत्र अहिमलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। और दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी।